एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये जंपसूट बनाऊंगी। ये 1 ईयर्स के बेबी के लिए है और मैं आपको शुरू करके बताती हूँ। ये मैंने 4 प्लाई की ऊन ली है और ये मेरा 250 mm का क्रोशिया है और ये मैंने 66 चैने ली हैं, 66। और मैं आपको शुरू करके बताती हूँ। ये 1, 2, 3 हम ये चैने छोड़ के 4th में हम शुरू करेंगे और ये जो ये भी इसको भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो गया। और इसी में एक चैन लेंगे और इसी में जहाँ से हमने ये 9th ख़त्म किया है यहीं से हम ये डबल ये क्रोशिया बुनेंगे और यहाँ से कॉर्नर बन जाएगा। ये हमारा फ्रंट बन गया, ये आर्मोल बनेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये हमारा आर्मोल हो गया। और ऐसे ही डबल क्रोशिया बुनते हुए एक चैन लेंगे और इसी में कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ से हमारी बैक शुरू होगी। बैक में हमने 9 यहाँ से लेंगे, 9 फ्रंट पे, 18 होगा, 18 पीछे होगा। ये बैक में 18 लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18। ये हमारी बैक हो गई और यहीं से हम एक चैन लेके यहीं से कॉर्नर बनाएंगे आर्म होल के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गया, 15 बना दिए। यहाँ से एक चैन लेके यहीं से डबल क्रोशिया, इसी कॉर्नर में से हम फ्रंट के लिए 9 डालेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये हो गया हमारा पहला रो पूरा हो गया। मैं फर्स्ट रो पूरा हो गया, सेकंड रो आपको शुरू करके बताती हूँ। यहाँ से ऐसे ही डबल क्रोशिया बुनते हुए ये मैं कॉर्नर पर आऊँगी, फिर आपको बताती हूँ मैं। ये
ये देखिए यहाँ पर मैं कॉर्नर पे आ गई। मैं आपको बताती हूँ कि मैं 13 रो बनाऊँगी। 13 रो में मैंने मेरे को ये लेग्स में 56 इधर 56 56 यानी कि 112 मैं यहाँ पर स्टिच रख बनेंगे मेरे। और मैं कैसे इसको यहाँ से नहीं बढ़ाती हूँ, मैं यहाँ से ही आपको पता है कि एक जैसे मैंने सिंग ये ऐसे यहाँ बनाया कॉर्नर, और यहाँ से एक एक कॉर्नर पे सब जगह से चारों तरफ से बढ़ता है कॉर्नर में। तो मैं यहाँ से फ्रंट पे एक छोड़ के दूसरे पे एक ज़्यादा बढ़ाऊँगी, फिर चौथे पे, फिर छठे पे, फिर आठवें पे, फिर दसवें पे, फिर बारहवें पे, ऐसे फ्रंट पे आगे एक एक ज़्यादा बढ़ेगा और बैक पे ऐसे ही। मैं यहाँ पर 112 स्टिच पूरे करने हैं। तो मैंने यहाँ से जैसे कॉर्नर में एक बढ़ता है, कॉर्नर में देखिए जैसे एक बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक स्टिच ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हो गया, टू डबल क्रोशिया हो गया। एक लेते हैं तो यहाँ पर एक हमने ज़्यादा लेना है, फिर एक चैन लेके फिर हम आर्मोल पे हमने नहीं बढ़ाना है, आर्मोल पे हम एक ही रखेंगे, एक आर्मोल पे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर दूसरा जो हमने रो पी गया है, दूसरे रो पे हम बढ़ाएंगे, तीसरे रो पे सिंगल ही बुन के चले जाएंगे। मैं आपको ये रो पूरा करके बताती हूँ, ऐसे ये देखिए मेरा आर्मोल का कॉर्नर आया। हमने आर्मोल पे यहाँ पर एक ही अपना जो स्टिच हमारा बनेगा वही बनाया है, और यहाँ पर भी एक ही वैसे ही बनाएंगे। और जो बैक पे हम यहाँ से भी टू लेंगे, एक ज़्यादा लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, ऐसे यहाँ से एक चैन लेके यहाँ से हम टू डबल क्रोशिया बुनेंगे, इसमें एक ज़्यादा बुनेंगे बैक में, ऐसे ही बुनते हुए आप यहाँ पर। ये दूसरा मेरा रो पूरा हो गया है। यहाँ से मैं आपको बताना चाहती थी, फ्रंट से हमने एक एक बढ़ाना है और बैक से हमने एक ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने बताया दूसरे पे हम एक ज़्यादा बढ़ाएंगे, फिर चौथे पे, छठे पे, आठ पे, दस पे, बारह पे, ऐसे, ठीक है। और ये तीसरा रो ऐसे ही बुन के जैसे एक ही बढ़ेगा, जो ऐसे आम जैसे बढ़ता है ऐसे बनाना है, इसमें नहीं बढ़ाना, एक एक ही जो बढ़ेगा। ये मैं आपको फ्रंट का आपको बता रही हूँ कि तीसरा हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही 13 रो पूरा करेंगे। ये देखिए यहाँ कॉर्नर पे पहुँची, यहाँ पर ये हमने यहाँ डबल बढ़ाया दूसरे में, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही यहाँ बुनेंगे और एक चैन लेके इसको एक ही ऐसे ही जैसे बढ़ता है ऐसे बनाएंगे। और फिर इसके बाद चौथे पे, फिर छठे पे, ऐसे करते हुए आप ऐसे कंटिन्यू 13 रो हम बनाएंगे, जैसे मैंने ये बना के रखा हुआ है, 13 रो बनाए हुए हैं। और हमने 112 स्टिच पूरे करने हैं, 112 ये 13 रो बनाए हुए हैं, है ना। और मैं आपको ये 14 वाला इसको जोड़ के बताती हूँ, और फिर आपको यहीं से आपके 112 स्टिचिंग हो जाएंगे, फिर आपको नीचे से बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। ये आसान तरीका रहता है और नीचे अच्छा नहीं लगता बढ़ाया हुआ। ये मैं आपको जोड़ के बताती हूँ, यहाँ पर आगे यहाँ तक आती हूँ, ऐसे डबल क्रोशिया बुनना है सब में। और यहाँ से कॉर्नर पे आके मैं इसीलिए जल्दी बना रही हूँ, कॉर्नर पे आके मैं आपको जोड़ के बता सकूँ।
गया। कॉर्नर पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे कॉर्न इसके बीच में, ठीक है। और फिर इसको ऐसे स्लीप को ऐसे करके और यहाँ से ये ऐसे डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे, ये हमारी आर्मोल निकल आएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा करके फिर इधर से ये इसको ऐसे जोड़ के, और फिर मैं आपको ये रो ख़त्म करके बताती हूँ। कॉर्नर बनाया, जोड़ा, और ये बैक मैंने बुन ली, और यहाँ पर मैं कॉर्नर पे आई, ये हमने कॉर्नर में डबल क्रोशिया बुना, और ऐसे ही यहाँ पर कॉर्नर में डालेंगे, ये डबल क्रोशिया डाला, और ऐसे ही ये फ्रंट बुनते हुए ऐसे फ्रंट बुनना है, यहाँ तक आप आ जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ। 14 रो पूरे हो गए हैं, 14 रो ऐसे ही यहाँ से 10 रो और बनेंगे, ये खुले में इसमें बटन होल बनेगा, और जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही हम यहाँ से 24 रो यहाँ तक बनाएंगे, 24, और 3 रो फिर बाद में यहाँ से हम जोड़ेंगे। आप 24 रो पूरे करिए ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये 14 हो गया, और ये 14 पूरा होके 15 वाला रो ऐसे ही हमने ऐसे ही बुनना है। अभी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, 24 रो पूरे करके 25 पे हम ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही बुनते हुए हम 10 रो और बनाएंगे। पूरे हो गए हैं यहाँ तक, और ये यहाँ से हम इसको ऐसे इसको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ये 3 चैने लेके, और जैसे हम एक साइड में इधर बुनते हैं, एक साइड में पलट के बुनते हैं, ऐसे हमने ऐसे पलट के एक बार इधर से एक बार उधर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ये 3 रो ऐसे बनाएंगे हम। ऐसे बुनते हुए हम ऐसे यहाँ तक, फिर मैं आपको यहाँ से शुरू करके देती हूँ। ये रो मेरा पूरा हो गया, ये ऐसे इसको यहाँ से जोड़ेंगे ऐसे स्किप करके, फिर 3 चैने लेके, जैसे ये बनाया हमने एक रो बनाया है, ऐसे इसको मिला के 3 रो बनेंगे, 2 और बनेंगे, फिर उसके बाद ये जैसे ये 3 रो बने हुए हैं, और फिर हम ये ब्लैक शुरू करेंगे, ठीक है। ये 3 रो ऐसे ही ऐसे ही बनता चले जाएगा, एक बारी अंदर से एक बारी बाहर से, जैसे ही ये सब बनता है उल्टा सीधा करते हैं ऐसे बनता है, डिज़ाइन बनता चला जाता है। ये तीन रो पूरे करके फिर मैं आपको लेग शुरू करके बताती हूँ। तो इधर से ये देखिए, ये मैंने 3 रो बना लिए हैं, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेरा 112 स्टिच हैं, यानी कि 112, और 56 इधर डालेंगे, 56 इधर डालेंगे, और मैंने ये यहाँ पर ये निशानी लगाई है, और मैं आपको यहाँ से जोड़ के बताती हूँ कि लेग कैसे बनाना। यहाँ से ये मैंने लिया, और ये वाला स्टिच को मैंने ऐसे जोड़ लिया, ऐसे ऐसे जोड़ लिया, और यहाँ से इसको मैंने ऐसे पक्का कर लिया, देखिए ये ऐसे जुड़ गया, और यहीं से मैं यहीं से ये 3 चैने लूँगी, और यहीं से मैं ये स्टार्ट कर दूँगी। ये 16 रो बनेंगे लेग के, ये ऐसे पूरा रो यहाँ तक मैं आके आपको शुरू करके देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने 56 ये स्टिच बना लिए,
जैसे मैंने आपको वैसे जोड़ना बताया है, आप ऐसे जोड़िएगा तो बिल्कुल भी जाली नज़र नहीं आएगी। और यहाँ से ऐसे करके हम ऐसे जोड़ लेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी आपको वो नहीं होगा। और जैसे ये मैंने शुरू करवाया है 56 से, आप यहीं से इसको ज्वाइन करके यहाँ से आप 56 यहाँ से बनाइएगा। और जैसे अब 3 चैने लेके ऐसे एक साइड बाहर से बनाई, अब एक साइड अंदर से, जैसे मोड़ के हम ले यहाँ से बनाते रहे हैं, ऐसे एक बारी अंदर से एक बारी बाहर से हम यहाँ पर 16 रो बनाएंगे। ऐसे ऐसे आप बनाते चले जाइए। और देखिए बिल्कुल भी जाली नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये देखिए ये 16 रो मैंने बनाए हैं ऐसे ही, आपको बिल्कुल भी नीचे देख ली जाली नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल आप ऐसे ही ये 16 रो बना के, और फिर मैं आपको बाजू और ये बटन होल बनाना बताऊंगा। ऐसे ही बनाते हुए 16 रो बनाइए, एक बारी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मोड़ के अंदर से बाहर से ऐसे, जैसे हम इसको मोड़ते रहते थे एक बारी इधर से फिर मोड़ते थे उधर से, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप ऐसे बनाइए। बनके तैयार है, नीचे से मैंने ये बना लिया, 16 रो बने हैं इसके, है ना, 56 इधर 56 इधर। और ये मैंने बाजू बनाई है, ये मैं आपको बाजू शुरू करके दिखाती हूँ। ऐसे इसको धागे को ऐसे 3 चेन बना ले, और इसमें ऐसे ही सब में ही ऐसे बुनते हुए ऐसे ही बुनना है डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर कहीं बढ़ाना घटाना नहीं है, ऐसे ही बुनते हुए आप इसके 16 रो बनाएंगे, 16 रो बनेंगे। ऐसे ही आप यहाँ से मैं आपको जोड़ के बताऊंगी। ये पहला रो ख़त्म हुआ, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे स्किप करेंगे, ये ऐसे जाली नहीं बनती बिल्कुल, ऐसा बन जाता है। अब जैसे इधर से शुरू किया था, अब हम इधर से शुरू करेंगे, एक बारी अंदर से एक बारी बाहर से ऐसे 16 रो बनाएंगे। आप ऐसे ही बनाते चले जाएं, ऐसे डबल क्रोशिया बुनते हुए आप इस ऐसे ही आप इसको पूरे ऐसे 16 रो आप पूरे कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको बटन पट्टी बना के बता दी। ये बटन पट्टी मैं बना के आपको बताती हूँ, इसमें 5 रो बनेंगे, और ये जो बने हुए हैं इसमें 2-2 बारी सिंगल क्रोशिया बुनते हुए ऐसे ही हम 2 रो बनाएंगे, और तीसरे रो पे ये होल बना देंगे ऐसे। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बुनते हुए सिंगल क्रोशिया बुनना है, ये 2 रो बनाएंगे ऐसे ही, इसमें एक में ये 2 बारी सिंगल क्रोशिया डालना है ऐसे। ठीक है, और आप ये ऐसे फर्स्ट रो ख़त्म हो गया, और सेकंड रो ऐसे ही बुन के फिर मैं आपको होल बनाना बता, 2 राउंड कर लिए, 2 रो बना लिए, और तीसरे रो पे हम इस तरफ होल बनाएंगे, और 3 चैने लेंगे, और 1-2 स्किप करके तीसरे में ऐसे
ये होल बन जाएगा और इसको भी काउंट करेंगे और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सिंगल क्रोशिया बुना 11 हमने ये बनाई है सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चैने लेके 2 स्किप करके फिर तीसरे में ऐसे होल बनाएंगे, फिर इसको भी काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर 3 चैने बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे तीसरे में होल बनाएंगे और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर 3 चैने लेंगे, 2, 3, 2 स्किप करेंगे तीसरे में ऐसे होल बनाएंगे और ये हमारे 4 ये होल बन गए और यहाँ से ऐसे बुनते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। और इस पे ये तीसरा रो है और 2 रो और बनेंगे और ये मैं आपको होल में कैसे बनाना है ये बताती हूँ थोड़ा सा। फिर मैं इस साइड में इधर बटन लगेंगे, इसमें भी 5 रो ऐसे ही बनेंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बुनते हुए ये 4th रो है, ये देखिए यहाँ मैं होल में आई, इसमें 2 बारी सिंगल क्रोशिया बुनना है ऐसे और फिर ऐसे ही सब में ऐसे बुनते चले जाना है। आपको इसके ऊपर 1 रो और बनाना है ऐसे ही, आप फिर इधर 5 रो बनानी है फिर बटन पट्टी ऐसे, मैं आपको फिर पूरा करके बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने बटन लगा दिए हैं, ये मैंने बटन पट्टी आपको बताई थी, इधर से 5 रो इधर से 5 रो ये मैंने ख़त्म किया है, ये बन के तैयार है। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।